नाइट न्यूज के इस चुनावी सफर में आज हम आपको ले चलते हैं इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में, ये जानने के लिए क्या है यहाँ के लोगों की समस्याएं, कितना हुआ है यहाँ पर विकास, क्या कहते हैं यहाँ के नेता, क्या है यहाँ पर चुनावी मुद्दे और किस तरफ रहेगा जनता का रुख आने वाले विधानसभा चुनावों में। कांगड़ा जिले की इंदौरा विधानसभा, इंदौरा पंजाब के पठानकोट से सटी विधानसभा है। इंदौरा में प्रदेश की दूसरी विधानसभाओं की तरह बड़े बड़े पहाड़ नहीं है, यहाँ छोटे पहाड़, ऊंचे ऊंचे पेड़, सरपीली सड़कें हैं जो इसकी खूबसूरती को और भी निखारती है। पहले सीट गंगत के नाम से मशहूर थी, लेकिन परिसीमन के बाद इसका नाम इंदौरा कर दिया गया है। हालांकि सीट में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया है, ये परिसीमन से पहले भी आरक्षित थी और आज भी आरक्षित ही है। इसकी तीन पंचायतों को नूरपुर में मिला दिया गया है, जबकि फतेहपुर विधानसभा की तीन पंचायतों को इंदौरा विधानसभा में मिला दिया गया है। इस इलाके को काठगढ़ मंदिर के लिए भी जाना जाता है, जो शिव पार्वती का खूबसूरत मंदिर है। इंदौरा विधानसभा में कुल 71,599 मतदाता हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की तादाद 37,541 है, जबकि महिला वोटर्स की संख्या 34,058 है। इंदौरा कहे या गंगत, कभी एक पार्टी का गढ़ नहीं रही। यहाँ की जनता ने हर 5 साल बाद अपना प्रत्याशी बदला है। साल 2007 में यहाँ बीजेपी का मुकाबला निर्दलीय उम्मीदवार से था। आपको जानकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये सच है। दरअसल इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन में कुछ तकनीकी खामियां पाई गई थी, इसके चलते वो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ पाए और यही वजह थी कि मुकाबला बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी के दरमियान हुआ। बीजेपी के देशराज निर्दलीय उम्मीदवार अनिता कुमारी से महज 690 वोटों से जीते थे। इंदौरा विधानसभा क्षेत्र कांगड़ा लोकसभा के तहत आता है। साल 2009 के आम चुनाव में यहां से भाजपा के राजन सुशांत और कांग्रेस के चंद्र कुमार चुनाव मैदान में थे, लेकिन बाजी बीजेपी के राजन सुशांत के हाथ लगी। वहीं इंदौरा विधानसभा से राजन सुशांत को 24,346 वोट पड़े थे, जबकि चंद्र कुमार को 17,568 वोट हासिल हुए थे। बहरहाल कांग्रेस और बीजेपी ने इस बार के लिए अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस ने जहां कमल किशोर पर दाव खेला है, वहीं बीजेपी ने 4 बार विधानसभा में गंगत का प्रतिनिधित्व कर चुके और मौजूदा विधायक देशराज की जगह रीता देवी को टिकट थमाया है। टिकट आवंटन के मसले पर देशराज नाराज हैं। देशराज इस बार अपने बेटे के लिए टिकट की आस लगाए बैठे थे, लेकिन पार्टी ने उनकी उम्मीदों के उलट रीता देवी को टिकट थमा दिया। टिकट मिलने के बाद भी देशराज पार्टी के खिलाफ जुबान नहीं खोल रहे हैं, लेकिन टिकट न मिलने का दर्द उनके चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। देशराज को अपने कार्यकाल के दौरान इंदौरा में कराए कामों पर काफी गर्व है। 1982 में पहली बार मैं विधायक चुनकर आया और उस समय हम अपोजिशन के विधायक थे, तो उसके बावजूद हमने बहुत विकास कराया। इलाके में स्कूलों का निर्माण हुआ, पीने के पानी का समस्या हल हुई और सड़कों का निर्माण हुआ। उसके बाद 90 में हमारी सरकार आई तो हैंडपंप की योजना लेकर आई, माननीय शांता कुमार जी मुख्यमंत्री थे, तो पानी का जहाँ पीने का पानी नहीं मिलता था, नलका जब धर्मशाला या नूरपुर में जगह होता था एक एक, पर गांव में नहीं पीने का पानी होता था, घर घर में नलके का प्रावधान भी किया और हैंडपंप की योजना लेकर आए। रीता देवी मौजूदा वक्त में जिला परिषद सदस्य हैं। रीता देवी का मानना है कि बीजेपी सरकार ने बीते 5 साल में जो काम किए हैं, उनके आधार पर उन्हें वोट मिलेंगे। 5 सालों से जो लगातार विकास कर रही है पूरे क्षेत्र में, उन्होंने हम पूरे हिमाचल में उन्होंने काफ़ी विकास किया है, जैसे स्वास्थ्य योजना 108 योजना और कन्यादान योजना, जैसे महिला के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया है। जो अगर मुझे कल को मौका मिलता है तो मैं उनकी बातें सुनूंगी और जितना हो सके मैं जरूर करूंगी, कोशिश करूंगी, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगी। वैसे रीता देवी को टिकट दिए जाने को लेकर इंदौरा बीजेपी के एक धड़े में नाराजगी है।
दरअसल साल 2007 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार अनिता कुमारी 690 मतों के अंतर से चुनाव हार गई थी। इस बार अनिता कुमारी के पति मनोहर धीमान टिकट की आस लगाए बैठे थे, पर पार्टी ने उनकी जगह रीता देवी को टिकट दे दिया। इसलिए मनोहर धीमान ने एक आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का मन बनाया है और माना ये भी जा रहा है कि उनको भाजपा के देशराज धड़े का समर्थन मिल रहा है। जोश में आके या आक्रोश में आके उन्होंने मुझे इलेक्शन लड़ने पे मजबूर किया। देखो, हमारा एक तो रिजर्व क्षेत्र है, तो जहाँ से आज दिन तक कोई विधायक ही बना है, मंत्री कोई नहीं बना। जैसे सड़कों में अभी एक तो बरसात के कारण सड़कों की हालत खस्ता है, बाकी ऐसे भी लटके हुए काम है, उनको हम प्रायोरिटी पे करेंगे। और जहाँ तक लगता है कि हमारा ये सारा जो क्षेत्र है, 80% या 90% लोग जो हैं वो खेती बाड़ी पर निर्भर हैं, तो मेरी सबसे पहले प्रायोरिटी ये होगी कि किसानों के लिए हर खेत को पानी मुहैया करवाना होगा और भी जो काम अधूरे पड़े हैं उनको कराने की कोशिश करेंगे। वहीं कांग्रेस की तरफ से इस बार कमल किशोर ताल ठोक रहे हैं। कमल किशोर ने बीजेपी पर इलाके की अनदेखी का भी आरोप लगाया है। इसके पिछड़े हुए का कारण है कि पिछले 5 साल भाजपा विधायक की लड़ाई सीएम से रही है, वो श्री धूमल जी से काफी दूर रहे हैं। इस करके जहां पर धन का अभाव रहा है, विकास नहीं हुआ है, जहां की सड़कों की बहुत ही दयनीय स्थिति है, पीने के पानी की भी बहुत कठिनाई है और जहां का सबसे बड़ा जो लोगों की मांग है वे है सिविल सब डिवीजन, तो उन लोगों से भी मैंने वायदा किया है कि जब आप मुझे सफल बनाएंगे तो निश्चित तौर पर उनकी समस्याओं का निपटारा हेतु वहां एक सब तहसील बनाई जाएगी। वहीं टिकट आवंटन के मसले पर बीजेपी की ही तरह कांग्रेस में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। मलिंदर सिंह कांग्रेस से टिकट की आस लगाए बैठे थे, पर अब जब कमल किशोर को टिकट मिल गया है तो वो निर्दलीय ही चुनाव समर में उतरने का मन बना रहे हैं। टिकट की जो हमारी दौड़ थी वो लगभग फाइनल हो चुकी थी, टिकट हमारा अनाउंस भी हो गया था। आपके पत्र जो जितने भी हमारे प्रिंट मीडिया था या हमारा अखबार थे उन्हें सब में जो आया था नाम हमारा फाइनल था। तो उसके बाद एकदम लास्ट में पता नहीं क्या हुआ, अब ये तो अंदर की बात थी, तो एकदम से जो प्रत्याशी जिनका नाम था ही नहीं पैनल में लास्ट में उनको प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। हमारे जो भी युवा साथी थे सब ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी लोगों के दिलों की बात को जानने के लिए और उसमें मुझे भी बुलाया उन्होंने। हमारे यहाँ पे अभी पूरे विधायक जो थे हमारे वो भी यहाँ उपस्थित थे, ब्लॉक समिति के चेयरमैन उपस्थित थे, जिला परिषद के मेंबर थे और लोगों की आवाज़ को वहाँ पे सुना गया और हमने भी जो है ये निर्णय जो है ना लोगों पे छोड़ा हुआ है, अभी जो लोग निर्णय करेंगे उसके साथ हम लोग चलेंगे। नेताओं के बाद हम इंदौरा की जनता के पास पहुँचे। जनता विकास के मसले पर दो गुटों में बंटी नजर आई, एक जहां खराब सड़कें, बदहाल स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और बाकी बुनियादी समस्याओं पर खफा दिखी तो दूसरा धड़ा बीते 5 सालों में हुए विकास के कामों से खुश दिखाई दिया। पहले तो यहां की सड़कें आप इनकी हालत देखिए एक बार, सड़क का पानी, पीने का पानी की बहुत समस्या है यहां, बाकी जो छोटी मोटी बिजली का, कहीं ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहां पे अभी तक बिजली पहुंची नहीं है। हमारे हर गांव तक गाड़ी जाती है, चाहे कच्ची सड़क हो कहीं, मैं कह सकता हूं, लेकिन ऑलमोस्ट पक्की सड़कों में हम जाते हैं। सड़कों की हालत कहीं खराब है वो भी मान के चलता हूं, लेकिन विकास के नाम पर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दलों में मसीहा के तौर पर राजनीतिक दल है। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। पहली बात, काफी टाइम हो गया प्रपोजल दिए हुए बट अभी तक नहीं आया। सड़कों का बहुत विस्तार हुआ है, सड़कें पक्की की हैं, उनकी रिपेयर की है, नई सड़कें बनाई हैं, कई सड़कों का काम अभी जारी है, हो रहा है काम, बरसात के बाद शुरू हो गया है
और यहाँ तक कि शिक्षा का काम है। अभी अभी विधायक साहब ने 27 स्कूलों के कमरों का शिलान्यास किया है। इंदौरा विधानसभा क्षेत्र जो है ये रूरल एरियाज में आता है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट्स के नाम पे जो पिछले पाँच सालों में काम हुए बिल्कुल शून्य है। एक तो यहाँ पे युवाओं की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जो जनरल सुविधाएँ जो यहाँ पे रोज़गार के लिए उन्हें अवसर मुहैया कराने चाहिए सरकार की तरफ से, ऐसा पिछले पाँच सालों में बिल्कुल भी नहीं हुआ है। स्कूल के कमरे कच्चे थे, स्कूल का कमरे पक्के हुए हैं। अभी 5 हैंडपंप लगे हैं, 1 मोटर लगी है, पानी की सुविधा अच्छी होगी, सड़क कच्ची थी। समस्या तो काफ़ी तरह की है, रोड की है, शिक्षा की है और पानी की समस्या है, काफ़ी तरह की समस्या है। ज़्यादा तो रोड की प्रॉब्लम है, यहाँ पे मुझे लगता है रोड बनना ज़्यादा ज़रूरी है। और पानी की तो जहाँ तक लगता है कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा मतलब कि पानी की फैसिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं लगती मुझे। जैसे कि हमारे वहाँ पे स्कूल है जी, अपना 10th तक है, जो काफ़ी बार कोशिश की है जी जिसको प्लस टू करने में, वो टिल आज की डेट तक वो प्लस टू नहीं हुआ जी। वो ये नहीं पता किस कारण नहीं हो सका जी, पर उसके बारे में हमने बहुत सारा, काफ़ी लोगों ने बहुत प्रयास किया, आज तक उसे प्लस टू नहीं किया जाए, जिसकी वजह से हमारे बच्चों को बहुत परेशानी होती है, अपना दूर दूर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। 8 जो हैं वो हैंड पंप लगे हैं और 4-5 जो हैं वो सरकारी बिल्डिंगें तैयार हुई हैं, जैसे कि आंगनबाड़ी है और स्कूल के कमरे अच्छे हुए, 5-5 लाख रुपये के कमरे वो भी तैयार हुए हैं, और स्कूल के बीच 5-5 लाख रुपये की बिल्डिंग जो है वो भी गाँव ढाक लड़ा के बीच हुए हैं। मेन तो रोड्स की बहुत बुरा हाल है, इरीगेशन और एजुकेशन के मामले में काफ़ी एरिया पीछे है। समस्या तो यहाँ सड़कों की है कि देखिए आप इंदौरा में अभी इंडस्ट्री एरिया आ गया है, अगर आप इंदौरा से डमटाल जाओगे भाई, डमटाल वहाँ पर इतनी हाईवी इंडस्ट्री है कि आप आई थिंक कि आपको 5 किलोमीटर का सफ़र आपको आधा घंटा या 2 घंटे लग जाएंगे वहाँ पहुँचने के लिए, क्योंकि वहाँ पर हैवी ट्रैफिक और जो सड़क है उसके अकॉर्डिंग मैनुफैक्चर नहीं हुई है वो। हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या किसानों को है, जैसे कि जंगली जानवर बंदर सुअर ये बहुत नुकसान करते हैं, और हमें पानी की सुविधा भी नहीं है जहाँ। बहरहाल इंदौरा की जनता चुनावी समर के लिए तैयार है, नेताओं ने भी कमर कस ली है। देखना होगा इंदौरा की जनता अब के बार किस पार्टी के प्रत्याशी को जीत दिलाती है। पंजाब की सीमा के साथ लगते हुए इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हो गई है। 1982 के बाद यहाँ पर एक ट्रेंड चला रहा है, पहले बीजेपी फिर कांग्रेस फिर बीजेपी फिर कांग्रेस। इस बार ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि क्या बीजेपी पिछली बार की तरह यहाँ पर अपना वर्चस्व बनाए रखती है, या फिर कांग्रेस उलटफेर करने में सफल रहती है, या फिर यहाँ पर कोई आजाद उम्मीदवार ही बाजी मार पाएगा। आने वाले विधानसभा चुनावों में जनता किस पर मोहर लगाएगी या तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन अखिल मनुजा के साथ किरणदीप, डे एंड नाइट न्यूज, इंदौरा।